तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए एकदम लेट के ही जाना होगा यहाँ से, सर भी नहीं उठा सकते हैं, ये ज्यादा रास्ता है, लेट कर ही जाना होगा, ये एकदम सर भी नहीं उठा सकते हैं यहाँ से। मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, आपको हाजिरी कराऊंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे अल्लाह के वलियों ने इबादत की है। इसमें नहाने से तमाम बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अंदर शिल्लागा के अंदर, जहाँ पे हज़रत मखदूम शरफुद्दीन याया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने शिल्लाकशी की थी। एकदम मिनरल वाटर की तरह पानी है, ये देखिए मैं लेता हूँ इसमें से पानी। एकदम मीठा पानी है। بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए आपको हर बार नई नई बारगाहों की हाज़िरी कराते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। तो अभी हम राजगीर पहुँचे हैं, बिहार में राजगीर में एक जगह है जहाँ पर हज़रत मखदूम शरफुद्दीन याया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्लाकशी की थी। यहाँ पे चिल्ला है उनका, जो कि मखदूम कुंड के नाम से यहाँ पे वो जगह है, और वो किस तरीके से बनी हुई है यहाँ पे चिल्लागा उनकी, और उसको मखदूम कुंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुंड है और पानी का तालाब है, उसी वजह से इसको मखदूम कुंड कहते हैं। ये आप सामने अभी बैक कैमरा चालू करेंगे, बैक कैमरा चालू करके आपको पूरा यहाँ का बताएँगे। देखिए यहाँ पे सामने मखदूम कुंड दरगाह नगर परिषद राजगीर, तो ये बिहार में राजगीर ज़िले के अंदर ये चिल्लागा बनी हुई है। ये मेन गेट है अंदर दाखिल होने का, मखदूम कुंड में जो चिल्लागा है हज़रत मखदूम शरफुद्दीन याया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की। तो आपके दो लकब हैं, दो अलकाब हैं आपको मखदूम में जहाँ भी कहते हैं, और सुल्तानुल मुहक्किकीन भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं, हमारे साथ में ये हैं। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई है। हसनैन अशरफी हमारे साथ में हैं, और इफ्तिखार साहब हैं, सरफराज साहब हैं, और हमारे पीर व मुर्शिद भी हमारे साथ में हैं। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमको रात हो गई है, और यहाँ की हाज़िरी कराएँगे आपको इंशाल्लाह ले जाके आगे। ये देखिए यहाँ पर तमाम एंट्रेंस के बाद ही का मंज़र है। यहाँ पे एंट्रेंस के बाद यहाँ पे जो ज़ायरीन वगैरह आते हैं उनके लिए खाने पीने की यहाँ पे होटलें वगैरह बनी हुई हैं दोनों तरफ, राइट साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी। और यहाँ से थोड़ा अंदर जाके ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये अंदर इनका चिल्लागा है जहाँ पर आपने चिल्लाकशी की थी। अभी आपको अंदर लेकर जाएँगे इंशाल्लाह, और वो जगह बताएँगे, और कुंड किस जगह है वो भी आपको बताएँगे। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ, और ये रास्ता पूरा आपको जो नज़र आ रहा है अंदर जाने का, ये देखिए ये मेन गेट है यहाँ पे मखदूम कुंड जगह बोलते हैं वहाँ का मेन गेट है ये, और काफ़ी खूबसूरत जगह बनी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अंदर की तरफ मखदूम कुंड की तरफ, और यहाँ की एक खासियत है, मखदूम कुंड की जो खासियत है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मखदूम कुंड है जो अभी आपको दिखाएंगे, और मखदूम कुंड में जैसा कि हमने मालूम किया है, मखदूम कुंड में जो आपकी चिल्लागा के यहाँ पे बना हुआ है कुंड, और चिल्लागा भी बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि वो कुंड कहाँ पे है। और लोगों का ऐसा मानना है कि इस कुंड में नहाने से तमाम बुरी बीमारियाँ अलाएँ बलाएँ सब दूर हो जाती हैं, और इसकी एक खासियत है कि इस कुंड का पानी कहाँ से आ रहा है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। और ये देखिए ये कुंड है, और ये हमेशा ऐसे ही भरा रहता है। वालेकुम अस्सलाम। ये कुंड है और ये हमेशा ऐसे ही भरा रहता है,
लोग इसमें नहाते हैं और नहाने के बाद लोगों का ऐसा मानना है, जैसा कि यहाँ हमने लोगों से मालूम किया है, इसमें नहाने से तमाम बीमारियाँ दूर होती हैं और जो ऊपर ही आसे वगैरह बलाएँ वगैरह रहती हैं वो सब इस कुंड में नहाने से दूर हो जाती हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये इसमें से पानी आ रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, और ये हमेशा पानी इसमें भरता है और ये पानी इतना मीठा है जैसे मिनरल वाटर होता ना, उस तरीके का ये पानी है। अभी मैं आपको पीकर बताऊंगा, यहाँ से हाथ में लेकर पीकर बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे लोग इसको लेकर जाते हैं, बोतलों में भर के भी लेकर जाते हैं, और ये पानी जो है एकदम मिनरल वाटर की तरह पानी है। ये देखिए, मैं लेता हूँ इसमें से पानी, एकदम मीठा पानी है। और इस पानी के सामने जो है मिनरल वाटर जो है वो भी फैल है, एकदम मीठा पानी है। और ये पानी कहाँ से आ रहा है, और इस कुंड में 24 घंटे रेगुलर ये पानी आता रहता है, लेकिन किस जगह से आता है ये पानी आज तक किसी को पता नहीं है और कोई पता नहीं लगा पाया है कि ये पानी कहाँ से आता है। तो ये मखदूम कुंड है यहाँ का, और इसकी खासियत जो है वो मैंने आपको बता दी है। लोग यहाँ पे आते हैं हाजिरी देने चिल्ले पे, तो यहाँ से इसमें से पानी ज़रूर लेकर जाते हैं भर के तबरुक के तौर पे, और अपने घर के लिए सबके लिए, ताकि इसको पीने से भी जो आसे वगैरह होते हैं, ऊपरी बीमारियाँ वगैरह होती हैं, वो सब दूर होती हैं। लोगों का ऐसा मानना है, इसलिए इस पानी को लेकर जाते हैं। तो अभी आपको जहाँ पर वो आपने चिल्ला किया था, जहाँ पे चिल्ला गया है, उसकी भी हाजिरी कराएंगे, आपको लेकर चलेंगे वहाँ पे। तो आइए चलते हैं उस तरफ जहाँ पे चिल्ला गया बनी हुई है, जहाँ पे आपने चिल्ला किया था। दोस्तों, ये रास्ता है ऊपर, चिल्ला शरीफ में जाने का रास्ता है, और अभी आपको लेकर जाएंगे ऊपर, ऊपर जाके हाजिरी कराएंगे चिल्ला मुबारक की। ये देखिए, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, और काफ़ी खूबसूरत बारगाह बनी हुई है, और इस तरह भी उजरा भी बना हुआ है। और इधर जो लोग यहाँ पे रुकते हैं, ज़ायरीन वगैरह आके जो रुकते हैं, उनके लिए यहाँ पे रूम्स वगैरह भी बने हुए हैं इस तरफ, और काफ़ी खूबसूरत चिल्ला बना हुआ है। और ये जो राजगीर का पहाड़ कहलाता है, ये राजगीर के पहाड़ के ऊपर ही आपकी चिल्ला का बनी हुई है, राजगीर ज़िले में। और यहाँ पे जो चिल्ला मुबारक में हाजिरी करने आते हैं, वो दो रकात नमाज नफिल ज़रूर पढ़ते हैं यहाँ पे। दोस्तों, आइए चलते हैं अंदर चिल्ला का के अंदर, जहाँ पे हज़रत मखदूम शरफुद्दीन याह्या मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला कशी की थी। और ये देख सकते हैं आप, पूरा पहाड़ है, पहाड़ के अंदर ये चिल्ला का बनी हुई है, और ये पानी भी लोग यहाँ पे रख के जाते हैं और बोतलों में भर के और वापस ले जाते हैं तबरुक के तौर पे। और काफ़ी छोटी जगह है, एकदम कंजस्टेड जगह है, ये आप देख रहे हैं। ये चिल्ला गाह के अंदर जाने का रास्ता है, तुम बना के लियो। मैं दे बोलूँगा नहीं ना, हाँ ऐसे बना के लियो, इधर से निकल के उधर, यहीं से बोलते हैं, यहीं पर छोटा गेट है, उधर भी छोटा गेट है। ये देखिए, इस तरह से लोग यहाँ पे अंदर की तरफ जाते हैं, और काफी छोटी जगह है, पहाड़ के अंदर ही है। अभी आपको अंदर लेकर जाएंगे और हाजिरी कराएंगे, और काफी छोटी जगह है। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। ये देखिए, एकदम लेट के ही जाना होगा यहाँ से, सर भी नहीं उठा सकते हैं, ये जा सकते हैं अंदर। मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ, चलते हैं। काफी छोटी जगह है, पूरा पहाड़ है, ऐसे लेट कर ही यहाँ पे आना पड़ता है, छोटा रास्ता है, लेट कर ही जाना होगा। ये एकदम सर भी नहीं उठा सकते हैं यहाँ से। मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, आपको हाजिरी कराऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अल्लाह के वलियों ने इबादत की है, और ऐसी ही जगहों को
अल्लाह ताला के वलियों ने इबादत के लिए चुना है ताकि उनकी इबादत में और रियाजत में, मुजाहिदे और मुशाहिदे में किसी तरह का खलल पैदा ना हो और कोई खलल पैदा ना कर सके, इसलिए तो चलते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे आपने इबादत की थी और यहीं पे जो है दो रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं। ये यहाँ पे मुकाम बना दिया गया है, पूरा पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जगह पूरे में नहीं होगा। और काफी छोटा रास्ता है, कंजस्टेड है, लोग ऐसे आते हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम छोटा रास्ता है और इसी से अंदर आते हैं। दोस्तों अभी आपको वो मुकाम दिखाते हैं जहाँ पे बैठ के इबादत की थी। और अभी हमारे साथ में हसनैन भाई हैं। काफ़ी छोटी जगह है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेट कर ही आना पड़ता है। अभी बैक कैमरा चालू करके आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे मुसल्ला बना हुआ है, बैठ के इबादत की थी। और यहाँ पर आने वाले लोग भी दो रकात नफिल उनकी सुन्नत अदा करते हैं, यहाँ पे बैठ के दो रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं। तो बैक कैमरा चालू करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये नीचे की तरफ जाएंगे अभी, ये पूरा मुसल्ला यहाँ पे बना हुआ है और इसी पे बैठ के जो लोग आते हैं हाजिरी के लिए वो दो रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं यहाँ पे। और ये पूरा पहाड़ एकदम झुका हुआ है, खड़े होने की भी जगह नहीं है, यहीं पे बैठ के आपने इबादत की थी। दोस्तों अभी राजगीर में जो हज़रत मखदूम शरफुद्दीन याया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक है, जो कि मखदूम कुंड के नाम से भी मशहूर है। और यहाँ पे मखदूम कुंड और चिल्ला गाह दोनों की मैंने आपको हाजिरी करा दी है। और काफ़ी खूबसूरत जगह पे ये चिल्ला गाह बनी हुई है, राजगीर के पहाड़ पे ये चिल्ला गाह बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और अपने ग्रुप्स में रिलेटिव्स में शेयर करते रहें, ताकि जो लोग यहाँ पे हाज़िरी नहीं कर पाते हैं वो हमारे वीडियो के ज़रिए हाज़िरी कर सकें। वो सवाब की नियत से इसको शेयर करते रहें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन औलिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।